चैनल परफेक्ट सिग्नल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं वर्लपूल कंपनी का माइक्रोवेव। आइए तो आज इस वीडियो में जानेंगे इस माइक्रोवेव के बारे में और इसके सारे फंक्शन और फीचर के बारे में, कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे हमको इसको इंस्टॉल करना है, कैसे सेटअप करना है, इसके हर एक फंक्शन और फीचर के बारे में जानेंगे। उससे पहले का आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। आइए हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि हमें इस वीडियो हमें इस बॉक्स में क्या क्या मिला हुआ है। तो आपको बता दें कि हमें ये एक वारंटी कार्ड मिला हुआ है जो कि हमारा एक साल का वारंटी है। और आपको बता दें, आपको ये दिखा दें, हमें ये दो बॉल मिला हुआ है। ये बॉल मिला हुआ है जैसा कि आपको दिखा दें। साइज़ का हम बता दें कि एक थोड़ा बड़ा है और एक छोटा है, दो साइज़ में हमें ये बॉल मिला हुआ है। आप देख सकते हैं दो हमें बॉल मिला हुआ है। इसके अगर हम ग्लास की बात कर लें तो इसका ग्लास बहुत ही मोटे ग्लास से बना हुआ है जैसा कि हमें हर एक माइक्रोवेव में मिलता है। और आपको बता दें इसमें हमें क्या मिला हुआ है, तो एक हमें मैनुअल बुक मिल जाता है जो कि ये रहा हमारा मैनुअल बुक। इसमें हमें बहुत सारी मेन्यू दी हुई है। आप इसमें से देख के बहुत सारी रेसिपी आप खुद से बना सकते हो। इसमें कम से कम हम बता दें आपको कि 300-400 रेसिपी दी हुई है। आप इस मेन्यू के थ्रू आप बहुत सारी इसमें डिश बना सकते हो। और इसमें हमें माइक्रोवेव में एक और चीज़ मिल जाता है जो कि हमारा है ग्रिल रैक। वो आपको हम अभी दिखा देते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारा ग्रिल रैक है जिसपे हम केवल ग्रिल किसी भी चीज़ को ग्रिल कर सकते हैं और कोई भी काम इस पर हम नहीं कर सकते हैं। इसको अभी इसके ओवन के अंदर रख के कैसे इसको यूज़ करते हैं सब इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आइए हम और तो कुछ हमें मिला नहीं है इस बॉक्स के अंदर, इतना चीज़ हमें बॉक्स के अंदर मिला हुआ है। ये बॉल मिल गया, ये ग्रिल रैक मिल गया, ये मैनुअल बुक मिल गया और वो वारंटी कार्ड आपको दिखाया वो मिला। तो आपको हमने बताया क्या क्या इसमें हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको साइड हटाते हैं और बताते हैं माइक्रो ओवन के बारे में, इसके फंक्शन आपको सारे दिखाते हैं। तो आप देख रहे हैं इस माइक्रो ओवन को, जो कि इसका लुक की हम बात करें तो लुक बहुत ही बेहतरीन लुक दिया हुआ है। आइए हम इस पहले डोर को ओपन करते हैं और देखते हैं अंदर में मुझे क्या क्या मिला हुआ है। आप अंदर का लुक पहले देख लीजिए। आपको बता दें कि ये जो माइक्रोवेव है बहुत ही इसका जो लुक है बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। आपको बता दें इसके अंदर हमें जो ये देख रहे हैं ग्लास, इसको अभी हम आपको निकाल के दिखाते हैं। ये जो आप ग्लास देख रहे हैं ये हमारा ग्लास ट्रे दिया हुआ है बिल्कुल, जो कि ग्लास का बना हुआ है, बहुत ही मोटे ग्लास से ये बना हुआ है। इसको हमें हमेशा सावधानी से थोड़ा यूज़ करना होगा। और आपको बता दें एक चीज़ और मुझे मिला हुआ है, इसके टर्नेबल रिंग जिसको हम बोलते हैं, ये हमको टर्नेबल रिंग मिला हुआ है जिसके थ्रू ये हमारा जो ग्लास है वो बहुत ही आसानी से टर्न होने वाला है, मूव करने वाला है। तो ये रहा हमारा टर्नेबल रिंग, ये रहा हमारा ग्लास ट्रे, और तो मुझे कुछ इसमें मिला नहीं है। यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे मुझे डिस्प्ले दिया हुआ है जिस डिस्प्ले में आपको शो करेगा कि आप कौन से मोड पे क्या कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे कुछ ऑटो वगैरह और कुछ स्पेशल चीज़ वगैरह दी हुई हैं, कैसे हमको हमें क्या बनाना है। जैसे आपको बता दें कि यहाँ पे इंडियन, आपको अगर कोई रेसिपी बनाना है तो इंडियन कर सकते हैं, सूप बनाना है, इंटरनेशनल बनाना है, स्वीट्स वगैरह हर एक चीज़ आपको दी हुई है, आप जो चाहे यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। स्पेशल मैं आपको बता दें कि तंदूर वगैरह भी दिया हुआ है, उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे हमको यहाँ पे मोड हमें अप्लाई करना है, हर एक चीज़ आपको बताने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसको प्लग इन करते हैं और देखते हैं अंदर के लुक के बारे में और भी फंक्शन के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम इसको प्लग इन करते हैं। जैसा कि हम अभी प्लग इन करने जा रहे हैं, ये देखिए हमारा प्लग इन हो चुका है। ये यहाँ पे हमारा दो डॉट जो दिख रहा है वो हमें ये सिंबलाइज करता है कि ये हमारा जो माइक्रोवेव ओवन है इसमें लाइट चला गया है, ये ऑन हो चुका है। और आपको एक चीज़ बता दें कि जब भी हमारा ये माइक्रोवेव ओवन खुला रहेगा,
ये हमारी लाइट जो यहाँ पे अंदर आप देख रहे हैं, लाइट लगी हुई है, वो जल रही है अभी। जैसे हमारा ये डोर ओपन रहेगा, ये हमारी लाइट जलती रहेगी। अगर हम इसको अगर डोर को क्लोज़ करेंगे, तो ये जो हमारी लाइट है, आपको हम यहाँ से दिखा दें, वो बंद हो जाएगी। ऐसे हम ओपन करते हैं, आप देख रहे हैं बहुत ही काफ़ी सुंदर दिख रहा है। ये अंदर का जो लुक है वो बहुत ही अच्छा हमें दिखाई दे रहा है। इस प्लेट की हम बात कर रहे हैं, इसी यहीं पे हमारा जो जो ग्लास ट्रे था और जो टर्नेबल रिंग था, यहीं पे हमारा फिट होने वाला है। तो आइए हम उसको फिट करते हैं। उससे पहले आपको हम बता दें कि यहाँ पर हमारा माइक्रोवेवन के ऊपर में ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा यहाँ पर भी रेसिपी दी हुई है। यहाँ पे रेसिपी का नाम दिया हुआ है और कौन सा रेसिपी बनाना है उसका हमें उससे हमको कौन सा कोड यूज़ करना है, हर एक कोड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको बता दें, यहाँ पे देख सकते हैं आप, राइस का दिया हुआ है। राइस में आप देख सकते हैं इतना सारे रेसिपी दी हुई हैं। ब्रेकफास्ट दिया हुआ है और भी बहुत सारे यहाँ पे रेसिपी वगैरह दिए हैं। कौन सी रेसिपी में हमें कौन सा मोड यूज़ करना है, कौन सा कोड यूज़ करना है, आपको ऊपर में मिल जाएगा और उस मेन्यू बुक में भी हमें मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम पहले फिट करते हैं। ये जो हमारा रिंग है, सबसे पहले हम इस रिंग को यहाँ पे अच्छे से, बस हमें कुछ नहीं करना है, आराम से बस यहाँ पे रख देना है। फिर जो हमारा ये जो ग्लास ट्रे है, ग्लास ट्रे को अच्छे से इस रिंग के ऊपर फिट कर देना है। ये देखिए हमारे ये जो ग्लास ट्रे है वो बिल्कुल इस रिंग पे फिट हो चुका है। थोड़ा सा इसको आप ऐसे चला के ऐसे मूव करके देख लें कि हमारा जो ये ग्लास ट्रे है वो अच्छे से फिट हो गया है या नहीं। हमेशा ध्यान रहे ग्लास ट्रे फिट करने टाइम कि ये जो हमारा नीचे का जो आप देख रहे हैं ग्लास ट्रे में कुछ खड्डियाँ वगैरह दी हुई हैं, वो हमेशा जो खड्डियाँ हैं वो नीचे के साइड रहेंगी। तो ये जो हमारा है ग्लास ट्रे, ये हमारा जब भी हमारा ये माइक्रोवेव ऑन रहेगा, हमारा खाना बनते समय ये हमेशा मूव करेगा, यही वाला ट्रे हमारा मूव करेगा। और इसी के ऊपर जो हमारा ग्रिल रैक है, जब भी हमें किसी चीज़ को ग्रिल करना हो तो इसी ग्लास के ऊपर हमें वो रैक रखना होगा। अभी आपको बताते हैं, जैसे कि ये हमारा ग्रिल रैक है, इसके ऊपर बस ऐसे रख देना है। आपको बता दें कि आपको कुछ ज़्यादा ही वैसा कुछ रोस्ट वगैरह, चिकन रोस्ट करना हो या फिर कुछ ग्रिल करना हो, तो आप हमेशा ध्यान दें कि ये जो आपका जो हाइट है वो हमेशा अपसाइड में, थोड़ा इसका हाइट ज़्यादा होना चाहिए। इसमें दो हाइट दिया हुआ है, ये जो हमारा है वो ज़्यादा हाइट वाला दिया हुआ है और ये आपको बता दें ये कम है। अगर कुछ आपको थोड़ा बस थोड़ा आपको कुछ थोड़ा सा ग्रिल करना हो या फिर कुछ थोड़ा सा वैसा चीज़ इस पर पकाना हो, तो आप छोटे वाले का कर सकते हैं, छोटे वाले स्टैंड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो हीट निकलने वाला है वो अपसाइड से निकलने वाला है। आपको दिखा दें ऊपर वाला चीज़, और जो जितना ही हम अगर इसको ऊपर करेंगे, अगर हम इसको अपसाइड में ऐसे रखते हैं, तो हमारी जो ये ग्रिल रैक की जो हाइट है वो बढ़ चुकी है और बढ़ जाएगी हाइट, तो ऊपर से हमारा जब भी आएगा हीट आएगा वो ज़्यादा इस पर हमारा लगने वाला है, इससे कि हमारा जो कुछ भी अगर हम ग्रिल करें तो आसानी से जल्दी से वो ग्रिल हो जाएगी। और एक चीज़ आपको हमने बताया है कि जब भी हमारा ये डोर ओपन रहेगा, हमारी जो लाइट है वो हमेशा जलती रहेगी। जैसे हम अपने डोर को क्लोज करेंगे, वो जो हमारी लाइट है वो ऑफ हो जाएगी। अब आपको बताते हैं गाइस कि इसको हम स्टार्ट कौन से बटन से करना है और कैसे हमें कोई भी रेसिपी बनाना है तो कौन से बटन को हमें प्रेस करना है। तो आइए हम स्टार्ट, सबसे पहले स्टार्ट करते वक्त हमको ये जो आप जेट स्टार्ट देख रहे हैं ये वाला हमें ऑन करना है।
अगर मान लीजिए आपको कुछ वैसा रेसिपी बनाना है, मान लीजिए आपको कोई, चलिए हम क्विक बाइट्स में ही अगर हम यहाँ से रेसिपी कोई उठा लेते हैं, अगर हमें कुछ भी अगर बनाना हो, आपको बता दें कि मान लीजिए आपको पिज़्ज़ा वगैरह बनाना है, तो पिज़्ज़ा को देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कोड, आपको दिखा दें वीडियो में, यहाँ पे पिज़्ज़ा का जो हमें बनाना है, तो यहाँ पे कोड देख रहे हैं आप, SN25, यहाँ पे SN25 दिया हुआ है, जो कि हमारा क्विक बाइट्स में है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा स्पेशल में जो यहाँ पे नीचे में क्विक बाइट्स दिया हुआ है, इसको प्रेस करना है, क्विक बाइट्स को यहाँ पे हमारा बटन को प्रेस करना है। तो आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे, जितने बार हम प्रेस करेंगे वहाँ से ऐसे 4, 5, 6 हो रहा है। तो हमको कितने बार प्रेस करना है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे हमको यहाँ पे पिज़्ज़ा हमने लिया है, तो पिज़्ज़ा का जो है कोड वो SN25 है, इसका मतलब कि हमें 25 times इसको प्रेस करके 25 तक ले जाना है, जो कि हमारा अभी 11 दिख रहा है डिस्प्ले पे, इसको हमको ऐसे 25 पे करके, ये देखिए हमारा 25 पे हो चुका है, और कुछ नहीं करना है। 25 अगर ये हो जाता है तो आपको जो यहाँ पे दिख रहा है जेट स्टार्ट बटन, उसको प्रेस कर देना है। ये देखिए ये जो हमारा है वो बिल्कुल भी, ये जो हमारा आप देख पा रहे हो, अभी तो दिख नहीं रहा होगा वीडियो में, आपको दिखा दें अंदर का जो हमारा ग्रिल रैक है वो मूव करने लगा है, आप देख रहे हो वीडियो में, अभी ये हमारा हीट हो रहा है। खैर इसको हम अभी, पिज़्ज़ा मुझे बनाना नहीं है तो इसको अभी हम ऑफ़ करते हैं। ऑफ़ करने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो हमारा स्टॉप बटन है इसको प्रेस कर देना है। अगर आप डायरेक्ट विंडो को भी, अगर आप डोर को ओपन कर देते हैं, तो ये जो हमारा अभी ऑन है वो ऑटोमेटिक ऑफ़ हो जाएगा। देखिए अगर हम इसको ओपन कर देते हैं तो ये जो हमारा ग्रिल रैक है वो रुक चुका है, ये देखिए, और फिर अगर हम जैसे बंद करेंगे, बंद जैसे करेंगे तो फिर अगर हमें ऑन करना है तो हमें जेट स्टार्ट बटन प्रेस करना होगा, तभी ये ऑन होगा। तो आइए हम, अगर इसको हम पहले स्टॉप कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें पिज़्ज़ा वगैरह कुछ बनाने नहीं है, ये हमने स्टॉप कर दिया है। और भी गाइस यहाँ पे बहुत सारी रेसिपी दी हुई है, जो भी आपको रेसिपी पसंद है यहाँ से आप कोड चूज कर सकते हैं, बट करना कुछ नहीं है, उस रेसिपी में जाके आपको उतना कोड प्रेस करना होगा और बस जेट स्टार्ट आपको बटन प्रेस करना होगा, बस आपका टाइमर इसमें फिक्स है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने टाइम पे खुद से ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाएगा, जब भी आपका कोई भी रेसिपी इसमें बन जाएगा तो आपका ये जो माइक्रो ओवन है वो खुद से ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, आपको ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बीच में खोल खोल के इसके देखना भी चाहें तो आप देख सकती हैं, जैसे ही विंडो को ओपन करेंगी, आपको मैंने बताया पहले कि जैसे विंडो को ओपन करेंगी जो हमारा माइक्रो ओवन है वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, फिर जैसे इसको क्लोज करेंगी आपको ये जेट स्टार्ट बटन प्रेस करना होगा, तभी ये ऑन होगा। और रेसिपी की भी बात करें तो हमें इस बुक में बहुत सारी रेसिपी वगैरह भी दी हुई हैं, इसके लुक की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं गाइस, ये जो हमारा पीछे में ये जो आप देख रहे हो, जो ये पूरे मोटे ग्लास से बनी हुई है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी दी है, यहाँ पे आप दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे वर्लपूल हमारा कंपनी है, यहाँ पे मुझे एक हैंडल मिला हुआ है, और भी ऊपर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो ऊपर का लुक, पीछे का आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे मेरे हमारा कुछ मॉडल वगैरह नंबर दिए हुए हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमारा कुछ मॉडल नंबर वगैरह दिया हुआ है, ऊपर में हमारी रेसिपी जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे रेसिपी के कोड दिए हुए हैं, आपको रेसिपी आपको कैसी बनानी है, कौन सी बनानी है, मेथड क्या है बनाने के, तो आपको हम अभी इस बुक में आपको सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, सारे रेसिपी के मेथड दिए हुए हैं। देखिए आपको बता दें कि यहाँ पे बहुत सारी रेसिपी मुझे दी हुई है,
यहाँ पे आपको मिल जाता है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी मिल जाता है कि आपको इस ओवन को कैसे इंस्टॉल करना है। हर एक इन्फॉर्मेशन इस बुक में आपको मिल जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लेट्स के बारे में बताया था गाइस, यहाँ पे आपको बुक में भी दिया हुआ है। और आपको यहाँ पे दिखा दें, यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारी हमारी रेसिपी वगैरह दी हुई हैं। ये देखिए हर एक चीज़ इसमें रेसिपी दी हुई है। जो रेसिपी आप चाहो, डेजर्ट खाना पसंद करो, स्वीट्स खाना पसंद करो, स्नैक्स आपको बनाने हैं, ब्रेकफास्ट के लिए आपको कुछ तैयार करना है, हर एक रेसिपी इस बुक में आपको मिल जाएगी। और इस माइक्रोवेव में आपको बहुत जल्दी ही सब बन के रेडी होने वाला है। सो गाइस, आपको हमने इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे ही दी। अगर वीडियो में आपको कुछ डाउट हो, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह पूछने हो, तो आप मुझे कमेंट सेशन में कर सकते हो, पूछ सकते हो। इसका लुक काफ़ी ही बेहतरीन है गाइस, वर्लपूल का है। इसको मैंने अभी फ्लिपकार्ट से ही ऑर्डर किया था, जो कि मेरा आज पार्सल आया है। उम्मीद करते हैं गाइस आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।